ओम शांति ओम शांति ओम शांति बहुत ठंडा ठंडा बोल रहे हैं। कुछ खाया नहीं है सुबह से मूली सुनी है ना? सुनी है ना मूली अमृत वेला किया है ना? अभी उसी प्यारे में बोलो ओम शांति ओम शांति अच्छा आ, कोने में बैठे सामने क्यों नहीं आती है मरिया साम, कोने में क्यों बैठे हैं सामने जगह खाली है कोनों को छोड़ो जितना बाबा के सामने होंगे तो समीप आ जाएंगे दूर होने वाले तो सामने आवे समीप आवे टाइम लग जाएगा तो हमेश अभी नया साल आ रहा है ना पुरानी बातों को समाप्त करने का नए साल में नवीनता लाने के लिए बाबा सब कुछ सब कुछ बताता है से हमको पुराना खत्म करना है नया लाना है कल किस कोई कोई निकला सुना होगा शाम को परंतु सार रूप मैं कहती हूँ जैसे पीएचडी पास करने वाले को कितना ध्यान रहता है मुझे पीएचडी पास करना है कितनी मेहनत करते हैं रिसर्च करते हैं हमको पीडब्ल्यूएच पास करना है पास दर में आना है हाँ समझ गए ना कान तो हिलाओ पी डब्ल्यू एच हाँ बैर वाले जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा यहाँ कितनी मेहनत करते बड़े इंजीनियर डॉक्टर यहाँ एमपी बनने के लिए पर इस दुनिया का अलग काल का पद है थोड़े समय के लिए थोड़ा मैल मिल जाएंगा अच्छा भी मिल जाएगी अच्छा हेलीकॉप्टर मिल जाएगा आने जाने के लिए और क्या मिलेगा और बाबा हमको ऐसा है, बनाता है ऊंच बनाता है PWH एच पास करने के लिए पास उतानर में आने के लिए बड़ा सहज है चलो ए वर्डी रहना है एक्यूरेट बनना है एवरेडी। है यानी कोई सब कोई भी मेरा रहा हुआ काम नहीं हो गए तो मुझे खींच याद आई ये काम बाकी रहा हुआ बाकी ये करना है बाकी ये करना है तो किसने बहुत समय पहले पूछा था से, क्या साप्ती है जो हम समझे हमारे विक्रम नाश हो गए मुख्य बात बाबा की आती है हर मुरली में आती है जो रोज मुरली सुनने वाले उनको पता है बाबा ये हर मुरली में कहता है मुझे याद करो तो विक्रम नाश हो जाए मैं तुम्हारे विक्रम बसम कर दूंगा पर याद मेरे को करो सुना है सभी ने साकार मोली में कोई मूल्य ऐसी होंगी जिसमें ये बाबा के बोल ना होवे तो ये गारंटी बाबा हमारी उठाता है याद करो तो विक्रम नाश हो जाए तो मेरे से किसने पूछा था क्या साप्ती मेरे को होंगी तो मेरे विक्रम हो जाए तो मुझे याद है कोई समय हमने ये जवाब दिया था अभी आपसे पूछो कोई जवाब देगा इसका कोई देगा भाई मेरे कर्म नाश हो जाए और और भी समझे बराबर है इसके याद से इसने, इसने विकर्म अपने विनाश कर लिए तभी, अभी मैं सुन नहीं सकेंगे ना कोई सुनाएगा एक शब्द में जवाब चाहिए क्या निशानी है मैं समझूं विक्रम में नाश हो गए मैं फ्री हो गई अब बोलो क्या बताती है खुशी और हल्कापन खुशी और हल्कापन अच्छा और भी कोई जवाब संतुष्टता संतुष्टता अच्छा और भी कोई जवाब दो संगम युग के हर सेकंड को मौज मनाना हर सेकंड में मौज मनाने का माना स्वप्न में भी सब कुछ खत्म हो जाएगा स्वप्न में भी कोई अपवित्रता नहीं अच्छा अच्छा सब राइट है तो हम एक जाब एक शब्द में जाब देती हूँ भले कुर्सी लेके जहा बैठो कोई कुर्सी कुर्सी लेके जहा बैठो <coughs> कभी विकल्प नहीं आएगा विकल्प एक विकल्प व्यर्थ संकल्पों का सारा पकड़ के प्रांग कर्म करने के बगैर छोड़ेगा नहीं तो ये अंदर से बाबा की जो इतनाम को कहता है बड़ी डीप बात है क्यों अन्य जन्मों से देवमान में आ करके विकारी कर्म बंधनों में फंस गए बाबा से दूर थे अभी बाबा के बन गए हैं तो जो पुराने विकारी कर्म संबंध का नाम निशान भी न रहे क्योंकि मैंने तो किया है पर उन्हों मैंने मेरा भी हुआ है उनका भी मेरे से हुआ है तो एक बाबा ने कमाल किया ऐसी दृष्टि देख दी इतना प्यार दिया कई आत्माओं का जल्दी कर्म बंधन कट गए बाबा के बन गए कईयों को टाइम लगा है कईयों के जल्दी कट गए तो कट गए तो उसका उसकी निशानी मैं का अभमान मेरा का अटैचमेंट से फ्री हो गए मैं का अभिमान, मैं आत्मा दे से न्यारी अंतिम जन्म है ये हिसाब किताब विक्रम विनाश हो गए अभी कोई मेरा हिसाब किताब उनके साथ न रहे मैं बाबा की हूँ बाबा के यज्ञ की सेवा करती हूँ सेवा से मैं खाती हूँ न किसके पर बोझ है मेरा न मैं किसका बोझ उठाती हूँ यज्ञ सेवा करके ऐसे नहीं ऐसे यज्ञ सेवा करो ही नहीं ऐसे खाते रहो और कर्म का हिसाब से चुप तू नहीं हुआ है बाबा के पास बैठे और लौकिक को याद करता रहे या उनसे लेन देन का हिसाब किताब चलता रहे तो यज्ञ का भोजन जो है ना बड़ा एक तो ब्रह्मा भोजन है शिव बाबा के भंडारे से बनता है बनाने वाले ब्राह्मण है हम खाते हैं ब्राह्मण है तो मेरे मुख में ब्राह्मण खा सकती हूं जो आज बाबा ने कहा जो देवताओं को भोग नहीं लगाया जाता है वो हम नहीं खा सकते हैं फिर से ये ख्याल आता है हमको क्या खाना है ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुन रहे हैं कानों से सुन रहे हैं ब्रह्मा पूजन मुख से खा रहे हैं दोनों का महत्व बहुत है आप कोई भी कर्म बंधनी काम करो उनको खुश करने के लिए करो या बंधनवश करो उसमें कोई खुशी नहीं आएगी यज्ञ सेवा करेंगे ना शक्ति बाबा की मिल जाती है वंडर है ये उसमें थोड़ी बाबा शक्ति देंगा कर्म बंधनों का काम करने के लिए वो तो मजबूरी से करते हैं वो कराते हैं कर लेते हैं क्या करें करना पड़ता है कुछ अपना मोह है कुछ देवबान है इसलिए करते हैं पर जब बाबा के बन गए तो ये ईश्वरी लाह अनुसार हमारा अनुभव ये है कोई कर्मन धनी हमको खींच नहीं सकता नहीं खींच सकता उसमें ईश्वरी सेवा पर है तो अंदर में मैं ईश्वर का बच्चा हूं ईश्वरी सेवा में है ये परिवार मेरा ईश्वरी परिवार सो मेरा परिवार है अटैचमेंट नहीं है पर मेरा परिवार है कितने वंडरफुल परिवार है एक एक के देखो गुण कितने अच्छे हैं किसमें थोड़ा औगुण भी है पर तो सीख रहे हैं ना तो अंदर से कोई दिल में किसके लिए घृणा वो नहीं हो सकती है परिवार है ना परिवार है ना फिर भी इस से पालना से अच्छा हो जाएगा ना तो धारा श्रेष्ठ बन जाती है सेवा और परिवार विचारों को श्रेष्ठ बनाते हैं रवि है, कोने में नहीं बैठ रवि समझ रहा है ना रवि है तुम कोने में नहीं बैठ सामने बैठ कोई तो ऐसे होवे ना जो इस बात को समझ के अमल में लाए ना जो अमल में ले आता है तो ये एक हिंदी में कहते हैं इल्म मना एजुकेशन पढ़ाई अमल माना उस पर जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करे वो है ईमानदार अच्छा इल्म को अमल में लाए कहीं है जो इल्म जो पढ़ाई है ना पढ़ाने जानते हैं और वो पढ़ाते हैं पर अंदर अपने लिए प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो तो पराना ही उसका काम है बस और कुछ काम नहीं है तो मुझे एक साकार बुरी में लग गई बात लग गई थी समझो कोई टीचर है पढ़ाता है पढ़ने के बाद वो टीचर ही रहा तो उसका कमाई क्या टीचर है टीचर की आमदनी क्या होती है क्या बस टीचर है पर नहीं ये पढ़ा तो वो कॉलेज में है या स्कूल में वो पढ़ा है देखो तो क्या से क्या बन गया है क्यों उसने पढ़ाई से कमाई बहुत की से पढ़ाया नहीं है तो पढ़ाई पढ़ते 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 अंदर से ऐसा अमल किया है जिससे उनकी कमाई हो गई तो हमारी पढ़ाई में ही कमाई है वो जिस बात को जिसने वो समझा ना पढ़ाई है तो निमित्त भले बाहर की पढ़ाई भी पढ़ता है पर ये पढ़ाई से भी कितनी कमाई है वहां भी उसकी पढ़ाई से ये जो पढ़ाई है ना उसमें जहां भी होता है उनकी भी वो कमाई हो जाती है जो उसके पर्सनैलिटी में ये पढ़ाई है एक तो पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है दूसरा आ रहा है इस इस टाइम पर ऐसे टाइम पर आ रहा है जिसमें दुनिया में कई प्रकार की पराई है जो सौ साल पहले नहीं थी दो सौ साल पहले नहीं थी इतनी कॉलेज यूनिवर्सिटिया वगैरह पहले नहीं थी पहले क्या पढ़ाई थी तो कम आई अच्छी करते थे अभी अच्छी पढ़ाई पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है बेचारे जाप के लिए परेशान हो रहे हैं, इतना दस साल पंद्रह साल पढ़ाई परी फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है पंत बाबा ऐसी पढ़ाई पर आ रहा है तो बुढा जवान बच्चा हर एक अच्छी तरह से पढ़ करके हर एक पढ़ करके हर जाति धर्म वाला पढ़ करके एक ही यूनिवर्सिटी में अच्छा चार ही सब्जेक्ट एक टाइम में पढ़ाने वाला एक ही टीचर चार ही सब्जेक्ट में पढ़ाता है सब्जेक्ट भाई एक सब्जेक्ट में एक टीचर आवे दूसरे सब्जेक्ट में दूसरा टीचर आवे वो भी नहीं ऐसा हमारा टीचर है ये जो ध्यान पर टीचर क्या पढ़ाता है तो समझदार बच्चा जो है ना सच्ची दिल से पढ़ता है दिल कुछ बाहर हो पढ़ाई या बैठा हुआ हो वो पढ़ता नहीं है बाबा पकड़ लेता था बैठा यहाँ यहाँ है बच्चा बुद्धि बह जा रही है पढ़ नहीं रहा है एक बारी मैंने बाबा को कहा था बाबा योग कैसा है मेरा तो बाबा ने मैंने बताई है ये, ये बात पर फिर भी मैं रिपीट करती हूँ नए साल में नई नई बातें आप लोगों के पास नोट वे तो बाबा से मैं चार लिख रही थी बाबा कहता था लिखो तो रात्रि के क्लास में चलो अब क्लास में बताता हूँ बच्ची किसको दुख तो नहीं देती हो भला किस कोई तुमको तो दुख देवे लेती तो नहीं हो अच्छा दुख न देती हो न लेती हो न तो चाट अच्छा होगा समझा मैं आपको भी कह देती हूं हो।, हो सकता नहीं चाट अच्छा हो जाए न दुख देना नहीं है मेरे को कुछ भी हो जाए पर कोई देवे तो लेना नहीं है मेरे को बाबा इतना सुख देता है मैं दुख जो को लू तो मैं क्यों ये रिपीट कर रही हूं मेरे मेरे मीठे बाबा ने ऐसा रात्रि क्लास में सामने बिठा के कहा याद है न दुख देना है न लेना है चलो देने लिए मैं ध्यान रखेंगी अचानक कोई ऐसे दुख देने लिए कई बातें फालतू मेरे परंतु कभी हार्ट को हट ना होए अगर हट हुआ तो होप चला जाएगा या दिल नरम हो जाएगी कोमल हो जाएंगी तो कोमल दिल बाबा कैसे याद करे बात को याद करे या बाबा को याद करे जिसकी दिल कोमल होती है ना पेन होता है ना थोड़ा तो बात याद आते ही पेन हो जाता है दुख ले लिया हट हो गया तो बाबा याद कैसे आए हाँ बाबा ऐसे याद करते बाबा पर खुशी से बाबा याद करें ना नहीं करेगा तो दुख लेना कभी नहीं है कुछ भी हो जाए कोई भी हो जिसको बहुत अपना मित्र समझा था उसने में से ये किया ये क्वेश्चन उठा दुख हुआ जिस गरीब दुख अंदर हुआ ना वो दर्द जो है ना जल्दी नहीं जाता है तो अपना चार्ट खराब नहीं करने का सेकंड में जवाब है किया न मेरे पास सामने परी ही मुझे तो पास होना है ना तो याद नहीं आए बात को कोई पूछे तुमको कुछ हुआ नहीं नहीं क्या कहूँगा अंदर से मुझे पास होना है ना यहाँ कोई पूर्व जन्म का हिसाब चुप तू हुआ ना अच्छी अच्छी बातें हैं, दुख न लेने के लिए अच्छी अच्छी बातें हैं, पर दुख लेने वाले अच्छी अच्छी बातों को भूल जाते हैं और दुख जो मिला ना वो बात याद कर देते हैं और पत्रों में भी लिखे मतलब अंदर तो करेंगे पर अंदर क्या करे कहाँ करे पर लिखने में भी, भी आ जाएगा इतना दुख दिया कुछ करता अच्छा तो शांत करना तो दुख देन, देने के लिए चाहिए नहीं रहम दिल मैं दुख न दू खिम रहम दिल लू नहीं उसके लिए चाहिए धीरज शांति धीरज शांति दोनों अंदर से अच्छा दिल को मजबूत कर दिया है पॉसिबल है प्रैक्टिकल की बात है ना अगर कोई भी देधारी की किस तरह से भी याद आई ना तो बाबा और वो कट्ठे रह नहीं सकते दिल में दिल है मेरी दिलवाला के पास दिलवाला मंदिर में यादगार है बाबा के साथ तपस्या करनी है यहां बैठे बैठे तो जिसकी दिल दिलवाला के साथ है उसकी दिल मजबूत है निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए बस अंदर जाएगा निंदा किया न? वो मेरा मित्र हुआ मुझे अच्छी तरह से टेस्ट में पास होने के लिए उसने थोड़ी परीक्षा ली बाबा ने मुझे बाबा के पास रहते हैं ना पास हो गए उसमें कई बातें आती है निंदा हमारी कोई करेगा पर मेरे सामने आते मेरे बाबा की कितनी लोगों ने निंदा की उसके भेट में क्या निंदा करते हैं कुछ भी नहीं हमारा इतना अच्छा बाबा इतना मेरा बाबा इतना सबको सुख देने वाला बाबा इतना दुनिया में बाबा सब कुछ छोड़ करके हमारे लिए उसकी भी निंदा करना लोगों ने हाँ। तो बाबा कहता था काम उसने किया तुमको भगाया उसने नाम खराब इसका हुआ हाँ। परमात्मा बाप ने जैसे इसको खींचा, तुम बच्चों को खींच के लाया गालियान से इसने खाई उसने थोड़ी गालियां खाई इसने खाई इतनी तो गालियां हमको नहीं मिलती है ना क्या बड़ी बात है इसमें हालो फादर जैसे भाव सुनते भी अच्छा ऐसी एक आत्मा थी मैं ये बात सुनाती हूं दिल को मजबूत कैसे बनाना चाहिए जिसके अंदर में ये था मैं पूरा दादा से भले कितना भी ये समझना मैंने अच्छा काम किया है इतनी कन्याओं को जो भगाया है मैं कन्याएं सब वापस आ जाए ये मैं काम करूंगा उनकी शादी करा दूंगा ये सब सबका मन कन्या वहां बैठ के ये वहां जा करके उसको अंदर से ये बात बहुत अंदर से था भले भूख मरे वापस आ जाए बाबा के पास कुछ पर मेरा बाबा बच्ची जिम्मेवार वो है आपका उसे तुमको लाया वो तुमको खिलाएगा यहां खाने के लिए नहीं होगा वतन बुला के खिलाएंगा दवाई भी दे देगा ऐसे प्रैक्टिकल आ रहा था फिर भी जब बॉम्बे में बाबा आया तो उस टाइम में बाबा से उम्र से मैं छोटा था लाठी उठानी पड़ रही थे चल नहीं सकता था बाबा ऑपरेशन के बाद मरीन ड्राइव पर पैदल कर रहा है तो बाबा से मिलने आया बाबा ने कहा आओ दादा आओ 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 बाबा ने उसको कुर्सी पर बिठाया। बाबा गद्दी पर बैठा था पट पर पट पर नहीं बैठ सकता था आओ 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 अच्छी खातरी की हम लोग देख रहे हैं वे जिसने इतना कुछ किया उसे इतना अच्छा प्यार से मिला हमको भी उसने बहुत कहा होगा ये क्या कर करी बोला इतना भी बताती हूं लोग एक दो बहने की शादी करा दी मुझे दिखाने के लिए ये कैसे बुला करके समझाइए मैं पुण्य कर्म करता हूं दो क्या तीन की करा दी चलो मैंने कहा अच्छा पर मेरे को कहा हमारे पास आती हो फ्रूट नहीं खाती हो मैंने कहा दादा ऐसे मैं फ्रूट कैसे खाऊं फल खाऊं आप इतना कितना गुस्सा करते हो हमारे ऊपर प्यारों से खिलाओ तो मैं खाऊं ना तो बाबा ने ऐसे सिखाया है दुश्मन को दुश्मन नहीं समझना चाहिए उसको भी मित्रता भाव से बदल दे। बदल गया बेचारा बहुत बदल गया टाइम तो लगता है पर अगर हम ढीले डाले बनेंगे और थोड़े ढीले बन गए बरोबर कहाँ से खाएंगे कुछ करना चाहिए जहां तक सांस शरीर में है बाबा का ही रहेंगे इतना विश्वास जो है ना दिल को मजबूत बनाता है औरों का दुख दूर करने के लिए रहम दिल बन जाते हैं दुख लेवे नहीं मजबूत दिल है औरों का दुख दूर करने के लिए रहम दिल बनेंगे खिमिया भाव रखेंगे दोष नहीं है इनका तो जो अच्छी कमाई का ने जानता है अंदर से इन बातों में अपने आप को चेक करता है जो बाबा की बाबा में मेरे अंदर में माना बाबा की बातें दिल में है और कोई बात को दिल में रुक ठहने नहीं देती है ठहने नहीं देती है आई बिचारी, आई बाबा की एक बात से भाग गई किसको अनुभव है कोई बात आपके पास आई थोड़ा दुख देने के लिए आई यहाँ जो ख्याल करने आई पर बाबा का इतना से ख्याल आया भाग गई किसको अनुभव है ये अभी टेलीफोन क्यों उठाया भाई मेरा नहीं अटेंशन रखो कौन है इतने बाबा की अच्छी बात याद आई जो बात थोड़ा मन को खराब करने वो चली गई बिल्कुल अनुभव हो गया हा? ये जो अनुभव है ना इतना डीप अनुभव है जैसे खान से अंदर जितना अच्छा निकलता है ना डीप जाओ अच्छा निकलता है वैसे मैं कहाँ भी जाती हूँ कोई देश में जाती हूँ कहाँ भी कहेंगे साइड सीन चलो ये चलो देख रहे मैं कहूंगी मुझे इंटरेस्ट नहीं है ना मैं कहाँ जाऊंगी क्या देखेंगे जानसबर्ग में गई साउथ अफ्रीका सोने के कैसे अंदर से कैसे निकलता है कितना जाते है? अंदर जाते हैं अंदर जाते हैं किसने देखा है हाँ सोना अंदर कैसे कैसे निकालते है इतनी मेहनत इतनी मेहनत पहाड़ों के अंदर ही अंदर यांदर, अंदर ही अंदर अंदर जा कर के अंदर ही अंदर जाते हैं ऐसे निकालते हैं तो सोने को अलग करते हैं सोने की अच्छी डलियां बनाते हैं सच कितनी मेहनत करते हैं तो हमारे अंदर भी इतना अच्छी चीजें है अनुभव करके देखो अंदर कितना अच्छा है सच कितना अच्छा है अंदर जाके सच निकालना है हमारा विचार है अनुभव कहता है अनेक बातें दुनिया भर की को एक बाजू करो जो कुछ करना होगा कर लेंगे जो आवश्यक होगा अच्छा होगा जरूर करेंगे पर पहले अभी जो ये मुख्य बात है अपने जीवन से अनेकों की जीवन बन जाए ये काम मेरे को करना है जीवन ऐसी हो अंदर अपने आप को बाबा को सामने रख करके हर बात में सवेरे से लेकर रात्रि तक बाबा को सामने रख करके अच्छा बच्चा बनो अच्छी स्टूडेंट रहू मन वचन कर्म से जो मन का वाणी कर्म पर आधार है मेरी मनसा में बाबा होगा, वाणी ऐसी निकलेंगी कर्म ऐसे होगा अगर मेरे मनसा में बाबा नहीं और कोई मनसा में है मेरी वाणी और कर्म, ये अच्छी तरह से अंदर की आंख खोल के अगर नहीं इनको राह दिखाओ ये राह है अंदर आगे बढ़ने की अंदर देखे बाबा और बाबा के महावाक्य मेरे ऊपर कितना काम कर रहे हैं कई बार बाबा कहते हैं अच्छा बाबा जो तुम्हारे ऊपर करने चाहता है तुमको बना तुम बाबा के ऊपर छोड़ दो बाबा बना देगा हाँ। तुम और, और बीच में तो नहीं करो ना बाबा देखेगा मैं इतनी मेहनत करता हूं ये फिर से ऐसे कर देता है बाबा क्या करेगा एकदम बड़ा अच्छी सच्ची दिल से जैसा बाबा मुझे बनाने चाहता है बाबा मैं ऐसा ही बनने चाह रहा हूं बाबा मुझे और कुछ नहीं इच्छा है तो यहाँ बन बैठे हो ना हा? पूछो अपने आप सच्ची दिल से पूछो नहीं मेरा तो विचार ये है मेरा तो प्लान ये है तो मेरा तो प्रोग्राम ये है मेरा तो ये है मेरा तो ये है मेरा तो ये है अच्छा अच्छा तो कोई तो कहेंगे मुझे बाबा ने टच किया अच्छा बाबा क्या कर सकता ओ मैगजीन में एक कहानी आई है हिंदी मैगजीन में कहानी क्यों सुनाती हूँ थोड़ा कहानियाँ से भी कहीं को आँख खुलती है एक बहन थी वो ब्यूटी शॉप में अच्छी ब्यूटी बनाने के लिए गई थी देखा कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता है। तो ऐसी ब्यूटी से जाऊं ऐसा शिकल बनाऊं जो कोई पसंद करे मेरे को तो ड्राइवर जो था उसने कार फास्ट चलाई थोड़ी तो कीचड़ के छींटे उस पर, पर गए बड़ा गुस्सा लगा ड्राइवर ऐसा है तो ऐसा है ऐसा है तो ऐसा है अभी क्या जाकर घर में मुंह दिखाएगी लड़का देखने में जाने वाला है इतना गुस्सा इतना गुस्सा सारा मेरा काम बर्बाद कर दिया तुमने तो बहन तो कोई अच्छी ज्ञान वाली मिली अरे बहन गुस्सा क्यों अरे मेरे तुमको क्या पता इसने क्या किया ड्राइवर ने मारा कहा बहन को ठंडा बनाते जाए बनाते जाए का मेरे शिकल तो देख मेरे क्या शिकल अच्छा थोड़ा बता तो जब तक ड्राइवर आए वापस ड्राइवर पर इतना ऐसे कर दिया कार को भी कुछ हो गया जब तक ड्राइवर तो बहन धीरे धीरे कर अंदर ले आई घर में तो ज्ञान सुनाती रही सुनाती रही क्या मैं तो कभी ब्यूटी शॉप पर जाती नहीं भगवान मेरी ऐसी ब्यूटीफुल शिकल दी है कोई पसंद करे ना करे भगवान ने मुझे पसंद कर लिया मैं तो बिल्कुल खुश बैठी हूँ मैं काहे को किस लड़कों के पीछे पर हूँ मेरी तो ऐसी शिकल है इतनी कभी कभी, कभी खराब होती नहीं है कभी होती नहीं ध्यान रखती हूँ भगवान मेरी शिकल अच्छी बना रहा है वो कहते हैं तुम अच्छी तरह तो से, से रहो किसी हालत में भी तुमको कोई छीन को न पड़े संभालो अपने आप को पहले नहीं सुनती थी पहले उसको गर्म थी बहुत ठंडी सुनते 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 समझाने सु। समझा नहीं तो वायुमंडल बड़ा शुद्ध था ड्राइवर आया तो पहले जो ड्राइवर पर बहुत गुस्सा कर ठहर ठहर मैं चलती हूँ ठहर ठहर मैं चलती अच्छा घर गई तो बस समझ गई वास्तव में जो मैं सारी उम्र भटकी अभी पता चला सच्ची सुंदरता किसको कहा जाता है Yeah. कितना बाबा सुंदर बनाता है और गुस्से वाले की शिकल कैसी होती है हाँ? लोभी की शिकल कैसी होती है अपमान वाले की शिकल कैसी होती है बाबा कहते तो शिकल अंतर्मुखी हो करके अंदर अपने आप को चेक करो ऐसी ब्यूटीफुल शिकल हो वे हुँ. जब यहाँ क्लास में आएंगे तो क्या करेंगे बाबा की बोली सुनने जाती हाँ। कुछ शब्द ऐसे के लिए सारे दिन में नन। ये कहानी क्यों सुना ली छोटी सी बात अपनी पसंद नहीं होंगी किसको भी गुस्सा करेंगे अरे जो हुआ ना। हाँ। कार चलाने का ढंग नहीं है उसको समझ के कार चलानी चाहिए उसको अरे तुम क्या चाहिए। तो ये जो गरीब गुस्सा है ना सारी शिकल खत्म हो जाती है तो पढ़ाई माना हमारी सूरत से कोई बंदर पना दिखाई पड़ेगा जैसे बाबा नाद का मिसाल देता है वह तो शिकल दो देख लक्ष्मी को वाने लायक है लक्ष्मी कैसी तू कैसा तुम्हारी करनी कैसी तो बाबा ध्यान खींचवाता है मैं समझती हूँ आप सब आ गए ना आए हैं सभी आए हैं नहीं थोड़े आए हैं मैंने संकल्प किया सबको आना चाहिए ठीक है जो भी आए समझा परंतु ध्यान ऐसे रखना है बाबा कहते हैं लक्ष्मी जैसी लक्षण हो नारायण जैसी करनी हो सब लक्षण लक्ष्य हो ऐसा जो लक्षण हमारे सामने पहले तो चार भुजा वाला शंख चक्कर गदा पदम ये हमारे अलंकार शंख पहले शंख नहीं है कहने में आता पहले शंख ने पहले स्वदर्शन चक्कर अपने ये रखा ना स्वदर्शन चक्कर पहले स्वदर्शन चक्कर ज्ञान की प्रकाष्ठ ज्ञान गदा ओके ज्ञान गद्दा है तो स्वदर्शन चक्र कमल फूल समान बनाता है भले स्वदर्शन चक्र फिराओ पर ज्ञान योग की शक्ति नहीं है तो कमल फूल समान नहीं बन सकते हैं जो कमल फूल समान रहना नहीं जानता है कीचड़ का छींटा भी पड़ता है तो दोष कीचड़ का नहीं है उसको अकल नहीं है न्यारा रहने का किचर को दोष देगा किचर कहेंगी तो ऊपर को देख न्यारा रहने का न्यारा रहने से कोई छींटा नहीं पड़ेगा पर परमात्मा प्यार की शक्ति से न्यारा बन जाते हैं ऊपर वाले की शक्ति से फिर वो संख ध्वनि थोड़ा से बोलेंगे न भी बोले उनकी कहनी को देख स्वदर्शन चक्र को देख ज्ञान योग्य की प्राक से कमल फूल समान रहने वाले को देख दिल आप ही मानेंगी ये जो कहता है ना सच्चा है कन्हे योग्य है तभी सवारी मधुबन में हम सब ऐसे महसूस करें जो पुरुषार्थ करना है सो अब करना है मुझे करना है बाबा करा रहा है अब करना है मुझे करना है बाबा करा रहा है और कुछ नहीं है। बाकी सब विचार पैदा भी नहीं करें जो उसकी पालना करें पैदा ही नहीं करेंगे आवे ही नहीं जिसको भगाए वेस्ट ऑफ टाइम विचारों से बाबा ने कहा है समझ संकल्प से ऐसी शक्तिशाली स्थिति बना के रखो जो दिल बाबा का शुक्रिया माने बाबा हमारे भाग्य का शुक्रिया माने बच्चा तुम भाग्यवान हो शुक्रिया हा? तुम भाग्यवान हो हम भाग भगवान का गुणगान करें शुक्रिया बाबा आपने ऐसा बनने के लिए मेरा हाथ पकड़ा है नहीं। तो किसी ने कहा मेरे को तुम बाबा को बोलो ना मेरा हाथ टाइट रखे पक्का के मैंने कहा ये बाबा को मैं तुम्हारे लिए कहूँगा बाबा को बोलो ना मेरा हाथ पक् टाइट रखे छोड़े नहीं अच्छा तुम कहेंगे अरे तुम अपना ये नहीं समझ मेरे को ऐसा हाथ पकड़ के कर रखना है ठीक है ये भी बाबा बाबा अच्छा पर हाँ। तो हमको कभी ख्याल ना आए आ, जो आजकल के ज़माने में जल्दी हाथ छोड़ने का ख्याल आता है कभी नहीं आवे भगवान हमारा साथी है जब तक आत्मा शरीर में है ना तो यही अच्छी तरह से अनुभव करती रहे बाबा के साथ साथी है मेरा अकेली नहीं हूं तो वो जो अनुभव हमारा है इक्कीस जन्म तो क्या चौरासी जन्म में काम आएगा अनेक प्रकार के अनुभव चौरासी जन्म में होंगे भगवान भले कलेयुग हो किचरा भी हो लेकिन भगवान मेरा साथी है भगवान ने किचरे से बचा के रखा है अंतिम जन्म में भी है जो यहाँ बैठे हैं ना बहुत गंदगी में नहीं गए होंगे कोई गया होगा तो वहां से भी निकाल के यहाँ लाया होगा भगवान महाराज यहाँ साथी बनाया ना तो चौरासी जन्मों में उसके साथ के अनुभव की शक्ति चौरासी जन्म काम में आती है इसलिए चौरासी जन्मों को साथ याद रखना है ज़रूर जो चौरासी जन्म को याद रखते हैं ना वो समझिए अंतिम जन्म है अंतिम घर आया है नाटक में पाठ पूरा हुआ है घर जाना है तो कहते हाँ नाटक में पाठ पूरा हुआ नमस्ते बाय बाय चलो पीछे के नहीं देखना है आ, अच्छा है ओम शांति और कुछ हाँ तो दुख लेने ले लेवे नहीं उसके लिए धीरज और शांति दोनों को साथ ही रखो क्या जरूरत है अच्छा नहीं ये ऐसे कुछ है अच्छा नहीं यहाँ तक आएंगा ही नहीं बड़ा अच्छा मीठा बनना है ना है। जो आज बाबा ने कहा बाबा हजार सौ से तेजो में नहीं है बाबा द्वारा शीतल है हजार तेजो में नहीं है बाबा द्वारा शीतल है वो बिंदु है ठंडा शीतल बना देता है अच्छा